पंची अगर बाज का पंख लगा ले तो वो बाज तो नहीं बन जाता बट अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत से कुछ भी बन सकता है गैर से उड़ सकते हो हद से हद से दीवारों तक इस अंबर में वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे कि आपने जैसे बताया कि आप दिन में अठारह घंटे काम करते हैं ठीक है ये एक चीज है जो हमें जो कोई इस यूथ नहीं समझता ऐसे बच्चों को किसी को घर आते उनको निमंत्रण दे रहा हूँ कि तो सुबह आके केवल गाड़ी में बैठ जाए और पूरे दिन और रात देखे आकर के फिर जब मैं उनसे कहूंगा कि आना तो कई महीने पर मेरे घर के शहर <laughs> में या फिर आज हम गए दुनिया में किसी की जीत से ज्यादा हमारी हार के हल्ले हैं कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर उतार कर हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर क्या हमें हमेशा क्रीज में रह के ही बल्लेबाजी करनी चाहिए कई बार तो बढ़ के हमें सिक्स मानना ही पड़ेगा और उसमें रिस्क होती है कि आपकी स्टम्पिंग भी हो सकती है और आप कैच आउट भी हो सकते हैं लेकिन फिर वो सिक्स भी बनता है कई बार जीत का कारण वही बनता है दूसरा जो पत्थर अपनी शरीर पर छनी हथौड़ी नहीं चलवाते हैं वो नालियों में और सड़कों पर लगते हैं और जो पत्थर अपने शरीर पर छनी और हथौड़ी चलवा लेते हैं वो फिर कहीं ड्राइंग रूम में लगते हैं या मंदिर में लगते हैं episode of triangle by prafugari we are meeting a very special guest professor sp singh bagel now we all know that he has been the member of parliament for five times he has been the um, cabinet minister in uttar pradesh government and currently he is in the central government minister of state law and justice today when we talk to him it was more than politics it was talking about him as an individual

and still grow themselves coming from a common family and it was great learning from him today the biggest lesson i got from him Ek kaise humble sakta hai? itna kuch achieve karne ke baad and what he talked about that particular point has touched my heart so let's go ahead and uh, hear him in this uh, today's episode of triangle by profilberg welcome to our uh, episode sir and uh, मैं इस एपिसोड की शुरुआत एक क्वेश्चन से करना चाहूंगा जी पंछी अगर बाज का पंख लगा ले तो वो बाज तो नहीं बन जाता बट अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत से कुछ भी बन सकता है 18 साल के एसपी सिंह बघेल ने कभी सोचा था कि वो पांच बार के एमपी यूपी कैबिनेट मिनिस्टर और उसके बाद आज सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉ एंड जस्टिस होंगे वो... पंख वाले पे एक शेर याद आ रहा है कि गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक इस अंबर में वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे तो 18 साल की उम्र में ऐसी कोई कल्पना नहीं की थी, थी कि राजनीति में ही आना है लेकिन चूंकि जब मैं 14 साल का था मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो एक जरूर ये सोचते थे कि जितने हालांकि परिवार का पूरा सपोर्ट था मैं छह भाइयों में सबसे छोटा था भाई बहनों में सबका भाइयों का पूरा सहयोग और लेकिन इसके बावजूद भी ये लगता था अपने पैरों पे खड़े मुझे लगता है उस पीढ़ी के लोग सारे यही सोचते थे कितने जल्दी नौकरी लगे और कितने जल्दी हम अपने पैरों पर खड़े हों तो लेकिन इतना जरूर था कि जिस फील्ड में जाएंगे उसमें सफलता जरूर हासिल करेंगे क्योंकि मेरा मैं जानता हूँ कि मेहनत का कोई दुनिया में विकल्प नहीं सर अभी आपने अपने फादर के बारे में बात करी जैसे अभी कोविड नाइन्टीन था कोविड नाइन्टीन में बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिलीज खोई सर आपने अपने आप को उस टाइम पर कैसे इतना मजबूत रखा इतना बांध के रखा कि आज आप यहाँ तक आए क्योंकि बहुत लोग टूट जाते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति कड़ी मेहनत और पक्का इरादा इसको लेकर के हमेशा हर काम में चाहे वो परीक्षा रही हो चाहे वो पोलिटिकल करियर रहा हो या नौकरी रही हो ये मेरे अपने मूल मंत्र हैं और सर जैसे हम बात करते हैं पुलिस की आप पुलिस में थे पहले सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमेशा हमें बोला जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है आपने दस साल का एक वंडरफुल पुलिस करियर छोड़ के आगरा में लेक्चर की जॉब करी वो उसके पीछे की बड़ी इमेज क्या थी आपने उस टाइम सोच लिया था कि पॉलिटिक्स में आना है? वो बहुत बड़ी रिस्क है और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है क्योंकि सार्वजनिक जीवन में मैं ऐसे हजारों हजारों को जानता हूँ जो अठारह साल की उम्र से राजनीति कर रहे हैं कर टनों कलफ लगा लिया होगा अपने कुर्ते पैजामे पर पूर्णकालिक जीवन उन्होंने राजनीति को दिया लेकिन अभी कई लोग प्रधान भी नहीं बन पाए हैं या लड़े तो हारे हैं या टिकट नहीं मिली मिली तो हारे हैं जवानतें जब्त हुई हैं जब तो, है। तो चूंकि ये एमपी केवल जो है पाँच होते हैं पूरे कंट्री में और आबादी 130 करोड़ है तो एक कठिन काम है लेकिन पुलिस में एक गारंटी थी कि अगर आप बहुत कोई जघन्य अपराध स्वयं ना करें तो नौकरी जाती नहीं है और नौकरी जाती नहीं है तो आपके साठ साल की उम्र तक एक नौकरी पक्की है किसी की भी सरकार हो एक तारीख को तनख्वाही जरूर आती है यदि व्यक्ति बेईमान है तो फिर पुलिस में उसकी कोई सीमा ही नहीं है कि आप जितना नैतिक रूप से नीचे गिरेंगे पैसा उतना ही ज़्यादा आएगा लेकिन ईमानदारी से काम करने पर भी आप साठ साल तक करेंगे और वो जो एक नीली बत्ती होती है वो जब जैसे इक्कीस साल में मैं सेलेक्ट हो गया था तो वो साठ साल तक अब निकाल लीजिए उनतालीस साल तक वो नीली बत्ती परमानेंट रहती है और ये अब तो खैर मोदी जी के सुझाव पर कोई लाल बत्ती नहीं लगाता है लेकिन लाल बत्ती कहराती है कि वो जो है मिनिस्ट्री की होती है वो कभी चार महीने रहती है कभी छः महीने रहती है कभी सोलह महीने रहती है बहुमत की सरकार सत में बनी सत्ताईस महीने रहे नवासी में सत्तर में अपना मुरारजी देसाई और चरण सिंह जी दो प्रधानमंत्री लगा के केवल सत्ताईस महीने सरकार चली एटी नाइन में बीपी सिंह साहब और चंद्रशेखर जी लगा के सोलह महीने चली जी। फिर आप नाइनटी uh, सिक्स में देवोघोड़ा साहब और गुजराल साहब लगा करके चौदह पंद्रह महीने चली फिर मैं जब जीत के आया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार तेरह महीने ही चली तो जिनको ये बत्तियां मिली होंगी क्या पता दोबारा ना जीते हों मिली ना हो तो कितनी क्षणिक होती है लेकिन वो जो एक नीली बत्ती होती है जो ब्यूरोसी के पास रहती है वो प्रमोशन के साथ बढ़ती जाती है और प्रमोशन होते हैं रैंक होती है साठ साल तक मैंने कहा ना आपने कोई जघन्य अपराध ना किया हो तो सस्पेंड और टर्मिनेट नहीं होते कार्यकाल -कर पूरा करते हैं तो कितनी एक तरफ एक गारंटी है कि आपको एक तनख्वाही मिलेगी ग्रेचुटी मिलेगी फंड मिलेगा पेंशन मिलेगी प्रमोशन मिलेंगे और साठ साल तक आप सेफ हैं कोई सरकार नाराज़ है तो अनइम्पॉर्टेंट पोस्टिंग मिल जाएगी सरकार खुश है तो इंपॉर्टेंट मिल जाएगी और कुछ लोगों की वर्किंग ऐसी होती है उनको हर सरकार रखती है तो कहने का मतलब ये है कि ये एक रिस्क थी तो उसमें मेरा एक सिद्धांत है कि नो रिस्क नो गेन और हाई रिस्क हाई गेन तो पता नहीं था मैं रहने वाला नहीं हूँ कहाँ पार्टी नहीं पता क्षेत्र नहीं पता लेकिन एक ये तय कर दिया था कि जब मैं पुलिस छोड़ के उच्च शिक्षा सेवा आयोग से लेक्चरर सिलेक्ट हुआ हूँ मिलिट्री साइंस में डिफेंस स्टडीज़ में आगरा कॉलेज आगरा मिला तो ये बात सच है कि मैं कोई पुलिस में आ, ये नहीं था कि मेरे को पसंद नहीं थी लेकिन मैं इस्तीफा देकर राजनीति करता तो बेरोजगार लोगों को राजगी राजनीति नहीं करनी चाहिए एक आय का साधन होना चाहिए तो उत्तर प्रदेश में जो एडिट कॉलेज हैं तो उनमें एक नियम है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं आपको रिजाइन नहीं करना होगा केवल छुट्टी लेनी होगी तो पाँच साल एक महीने में पुलिस छोड़ने के बाद में मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हो गया और हवा के खिलाफ क्योंकि हवा नहीं थी जिस पार्टी से मैं जीता उसकी कोई हवा ही नहीं थी उसके केवल शायद सोलह एम आए थे लेकिन हवा दूसरी पार्टियों की थी तो कई बार क्या होता है कि लहर में टिकट पाने पर कोई भी जीत जाता है लेकिन जब लहर ना हो तो वही लोग जीतते हैं जिनके पास अपनी कोई सौदा होती है और सर जैसे हम पॉलिटिकल करियर को एक अनस्टेबल फील्ड मानते हैं जैसे कि एक अं... ये क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है आपने अपने करियर में वो फेस करी है वो जैसे 2009 की अगर हम बात करें 2014 की अगर हम बात करें तो चाहे वो लीडरशिप की जीत थी बट बॉलीवुड से हारो चाहे वो मतलब डायनेस्टी रन पॉलिटिकल एज बिजनेस की बात हो तो आपको अपने करियर में आपने कैसे अपने आप को उतना बांध के रखा कि मुझे इसी में आगे जाना क्योंकि बहुत लोगों को करियर में ऐसा फील होता है अब नहीं हो पाएगा ये हाँ नहीं असंभव सब तो डिक्शनरी में है ही नहीं चुनाव हारे हैं राजनीति कभी नहीं हार मेरे घर पे आने वाली भीड़ में चुनाव जीतूं या हारूं हारू या सरकार बने या ना बने टिकट मिले या ना मिले सुबह आने वाली जनता में कभी कमी नहीं रहती है और उसी डॉक्टर के यहाँ भीड़ होती है जिसकी दवाई लोगों को लगती है तो अनस्टेबिलिटी तो है लेकिन क्या हमें हमेशा क्रीज में रह के ही बल्लेबाजी करनी चाहिए कई बार तो बढ़ के हमें सिक्स मानना पड़, पड़ेगा और उसमें रिस्क होती है कि आपकी स्टंपिंग भी हो सकती है और आप आउट भी हो सकते हैं लेकिन फिर वो सिक्स भी बनता है कई बार जीत का कारण वही बनता है तो क्या है रिस्क लोग नहीं ले रहे हैं तो सेफ जोन में लोग रहना चाहते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि एक बंधी हुई इनकम उनको मिलती रहे और रोज़ मेहनत ना करनी पड़े सर आप अपनी क्रीज से बाहर 1993 में निकले थे और 1996 में आपके पास टिकट थी सर कॉमन मैन ऑफ इंडिया को ये एक ड्रीम ही लगती है आपने वो ड्रीम वो अपॉर्चुनिटी बनाई मिली नहीं आपने वो अपॉर्चुनिटी बनाई खुद के लिए वो अपॉर्चुनिटी एक मिडिल क्लास इंडियन ने एक सेटल्ड एक फैमिली मैन ने कैसे बनाई फर्स्ट जनरेशन का हूँ कोई ये कोई बैंक की एफ नहीं थी जो घर के लोगों ने दी हो उसको कैश करा लो आ, खुद कुआ खोदा खुद पानी पिया है लेकिन इसमें है कि पार्टी के हाईकमान का भी सहयोग रहता था तो तिरानवे में मैं आया हूँ छियानवे में पार्लियामेंट लड़ लिया बहुत कम मार्जिनल वोटों से मैं चुनाव हारा हो रहा है सैंतीस हजार से, 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 से चुनाव हारा और एक जात के दो लड़ गए थे वो भी कारण रहा होगा और तीन साल में शायद लोग असली एस सिंह बघेल को समय नहीं समझ पाए होंगे तो ये प्रत्याशा में वोट मिला और इस उम्मीद से वोट मिला था लेकिन जब परख लेते हैं तो वोट बढ़ जाता है या बहुत कम होता है और उसके 16 महीने बाद में जीत गया तो जब मैं पुलिस छोड़ी और हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन से मेरा सिलेक्शन हुआ आगरा कॉलेज आगरा मुझे को मिला तो मैं थोड़ा स्वतंत्र हो गया वो पुलिस का डिसिप्लिन पुलिस की बाध्यता पुलिस की वर्किंग आ, काम करना ही होगा यहाँ भी पढ़ाना पड़ता है लेकिन आ, मुझे नहीं लगता कि पाँच बजे के बाद एडिट कॉलेज के लेक्चर को दुनिया की कोई ताकत बुला सकती हो जी। आ, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं है कि आप एनसीसी भी देख रहे हैं एनएसएस भी देख रहे हैं प्रकटोरियल बोर्ड में भी हैं देन आप हाउसिंग कमेटी में है तो लाइब्रेरी में है तो एग्जामिनेशन कमेटी के इंचार्ज हैं तो सुपरिनटेंडेंट हैं ऐसे करके टीचर लोग भी अपने लिए काफी उनकी जिम्मेदारी रहती है लेकिन मेरा मैं कोई केवल पढ़ाने के लिए नहीं आया था क्योंकि मैं पुलिस में रह रहकर राजनीति नहीं कर सकता था इसलिए यहां पर एक प्लेटफॉर्म मेरे को मिला जिसका मैंने पूरा लाभ लिया तो मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि मैं जो है राजनीति करूँ तो मैं एकदम फ्री हो गया फिर थोड़े बहुत पैसे थे मुझे लगता चालीस पचास हजार ही रहे थे और उससे लेकर के एक वाहन खरीदा मेरी वाइफ ने शहनाज ब्यूटी पार्लर से एक कोर्स किया क्योंकि तो आय का साधन होना चाहिए था तो फिर मैं कई बार एक नियम बनाया है कि मुझे क्षेत्र में रोज जाना है ये अपरिहार कारणों को छोड़ के अपरिहार कारणों में पार्लियामेंट सेशन नहीं है क्योंकि कई बार पार्लियामेंट सेशन तीन बजे मेरा अगर कोई रोल नहीं है और मैं क्षेत्रीय दलों में रहा चार बार तो बहुत बड़ा रोल भी नहीं था आज भारतीय जनता पार्टी में में तो तो सत्ता पक्ष में तो भी जारी रहेगा रहना होगा आखिरी समय सेशन को उठाना पड़ेगा लेकिन मैं चार कार्यकाल जो मेरा असली पीरियड है उन दिनों का संघर्ष वाला तो मैं तीन बजे गोवा एक्सप्रेस से या साढ़े तीन बजे गोंडवाना से या चार बजे कुतुब से या साढ़े पांच पच्चीस पे ईपी से या साढ़े छह पे जी टी से या आठ पचास पर भोपाल एक्सप्रेस से या साढ़े आठ पर बंगलौर राजधानी से लास्ट में तमिल मैंने सवा नौ बजे बंगलौर एक्सप्रेस भी ली है और ये सोने के लिए नहीं गया क्योंकि तो अगले दिन सुबह फिर पार्लियामेंट है ये मैं ड्यूरिंग सेशन बता रहा हूँ तो मैंने पांच गांव या पांच मोहल्ले या पांच काम तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई शादी विवाह तेरहवीं भागवत कथा रसिया दंगल का कोई कुआ पूजा निकादशी का व्रत का उद्यापन किसी का बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी कोशिश करता हूँ कि ना छूटे जी। तो ये इस इसकी वजह से मुझे बहुत सफलता मिली है और जो एक बार ऐसा भी हुआ कि पेट्रोल पंप पे मैं केवल 20 का डीजल डलवाया तो वो कह रहा था फिर आ जाएंगे देख जीवन का नियम है कभी उधार नहीं करता मैं हुँ, हुँ। कभी उधार नहीं, नहीं करता हूँ मैं पान भी खाऊंगा तो उसका पेमेंट करता हूँ अपनी में चाय भी पीऊंगा शिष्टाचार में वो कहेगा कि पैसे कोई बात नहीं सर लेकिन मैं उसका पेमेंट जरूर करता हूँ किसी के घर पे पीऊंगा ना अलग बात है लेकिन मैं किसी शॉप पर अगर कभी चाय पीऊँगा तो मैं उसका पेमेंट करता हूँ तो मैंने बीस रुपये का डीजल डलवाया तो कम गाँव की है तो मैं मेरे घर और मेरे क्षेत्र के बीच में मेरी वाइफ का पार्लर है अच्छा। तो मैं वहाँ जाता हूँ पैसे लेता था और जाता था क्योंकि अक्सर ये है केवल डीजल का खर्चा नहीं है अपने यहाँ एक सगुन देने का भी रिवाज है कि शादी में या बर्थडे में या मेरेज एनिवर्सरी में कुछ ना कुछ देना होता है तो एक आय का साधन मेरी सैलरी प्लस मेरी वाइफ का पार्लर ऐसे करके हमने बीस रुपये का भी डीजल डलवाया है लेकिन कॉन्स्टेंसी में ज़रूर गए तो मैं मैं चार बार का तो मेरे को रिकॉर्ड है कि चार तीन लोकसभा एक राज्यसभा में मैं तेईस रात दिल्ली में रुकाऊँ और अक्सर लोग कहते हैं क्षेत्र के लोग कि उनके एम पी साहब दिल्ली रहते हैं बाकी के सात दिन जाते हैं तो मैं पूरे कार्यकाल में केवल जो है तेईस नाइट स्टे इन दहली उसके पीछे भी कई बार लोकसभा लेट चलती है डिवीजन हो जाता है आपने देखा होगा कुछ मुद्दों पर दो बजे रात तक चली है जी। ऐसे में आप कोई डिनर है बहुत इम्पोर्टेंट है पार्टी की कोई बैठक है तो रुकाऊंग लेकिन मैं जरूर जाता हूँ कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आगरा पास है तो आगरा से नजदीक पंद्रह लोकसभाएं हैं जो आगरा से भी दूरी में कम है ये तो अपना अपना काम करने का तरीका मोटिवेशन होती है अपनी अपनी सर अभी आपने एक बात बोली आज के टाइम में हम लोग बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की फेमिनिज्म की सर आप कह रहे कि उस टाइम पर मैम ने आ, अपना ब्यूटी पार्लर खोला या अपना काम किया और आपने आपने शर्म नहीं करी पैसे नहीं। मांगने की सर आज के यूथ को आपका क्या मैसेज है कि उन्हें ये समझना चाहिए ये लाइन बहुत ही फोकस के लिए थी अरे मैं कह रहा हूँ कि उन्नीस में उन्होंने पचानवे में पार्लर खोला लेकिन आज पाँच अप्रैल को भी इस समय वो अपने पार्लर पर स्वयं अपने हाथों से किसी भी आई हुई कस्टमर या लेडी का अपने हाथों से फेसियल कर रही होगी केवल मैनेजमेंट के लिए नहीं जाती है और घर में जब वो घूम रही होती है, तो कई लोग कहते हैं मैम उसी से कहते हैं कि मैम साहब से बात करा दो क्योंकि उस समय घरों में चप्पल नहीं होगी पोछा लग रहा होगा या झाड़ू लगा रही होगी या बर्तन उठ रहे होंगे या चाहे तो जो हमारे बहुत तो खैर जानने वाले लोग हैं क्योंकि वो इलेक्शन में बहुत उनका सक्रिय रोल रहता है लेकिन जो अपरिचित और बाहर के लोग आते हैं तो उसी से पूछते हैं कि मैडम से मिलना था जी। तो उसमें आज की तारीख में भी हमने उसको बंद नहीं किया है क्योंकि तो मैंने बताया ना कि ये सब क्षणिक होती है राजनीति वो एक स्थायी अगर आप उधर क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं तो चलता है बैलेंस बोर बहुत इम्पोर्टेंट है सर हम

एक ये है दूसरा हालांकि जिस दिन पैदा हुआ उस दिन मृत्यु का तरीका स्थान और समय भी तय है लेकिन अभी मैं इस घर से आगरा के घर तक बहुत अच्छे चले तो तीन घंटे लगते हैं लेकिन गतिमान एक्सप्रेस सौ मिनट में शताब्दी और सभी राजधानियां दो घंटे में उससे खराब वाली गाड़ी ढाई घंटे में और सबसे खराब वाली गाड़ी तीन घंटे में पहुंचती है तो जितने में आपकी लैंड क्रूजर पहुंचेगी मेरे पे तो है नहीं है उतने में मैं ट्रेन से पहुंचूंगा फिर अभी कोई कार ऐसी नहीं बनी है जिसपे पूरी तरह सोए आप हाँ। तो लेटे लेटे आपको ब्रेक लगाने पड़ते हैं अगर आप ड्राइविंग जानते हैं तो ट्रेन में मैं कहता हूँ कि लैंड क्रूजर की सीट की जगह है एक पैसेंजर ट्रेन की लकड़ी की सीट मेरे को बेहतर समझता हूँ क्योंकि तो मैं काम बहुत करता हूँ थकता हूँ तो मेरी कमर सीधी करने के लिए वो ट्रेन होती है और मैं निजामुद्दीन से बैठता हूँ तो फरीदाबाद से पहले सो भी जाता हूँ अच्छा आपने बोला भी आप काम बहुत करते हैं जैसे मैंने कुछ दो दिन में आपसे एक बार मुलाकात हुई तो मैंने देख भी लिया है वो काम आप आगे सीधा लोगों से मिले सबसे बात करी आपने अपना मैंने नोटिस करा कि आप अपना फोन भी खुद उठा रहे हैं सर मतलब ऐसा हमने कभी ना सुना है ना देखा है मतलब आप अपना फोन भी खुद उठाते हैं आप कितने घंटे काम करते हैं दिन में अगर मैं कभी एक बजे रात से पहले अपने घर में आके घंटी बजाऊंगा तो मेरी पत्नी मधु बघेल अचंभे में बेहोश हो सकती है अगर नौ या दस बजे में आ गया कि आज ये क्या हो गया तो जब आप सभी शादी ब्याह तेरवीं भागवत कथा रसिया दंगल का बाली कुआ पूजन एकादशी का व्रत का उद्यापन मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे अटेंड करेंगे तो ये सब समय पर नहीं हो सकते और जो आदमी चाहता है कि मैं सुबह उठूं, वॉक करूं, योगा करूं, फिर ध्यान करूं, फिर टाइम पर चाय पीऊं, फिर ब्रेकफास्ट करूं, फिर टाइम पर लंच करूं, फिर हाई टी तीन बजे आसपास सुनते होती है उसको करें फिर टाइम पे आप डिनर करें तो फिर छह कार्यकाल नहीं हो सकते आपके पॉलिटिक्स में काम से बनता है इंसान टू टू एंड पीपल पीपल डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा होता है क्योंकि विकास भी बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन विकास को लोग ये मानने लगे हैं कि ये सरकारों द्वारा किया जाता है आप अपना व्यक्तिगत आप क्या कर रहे हैं तो सामाजिक समारोह में बिल्कुल ना जाने से जल्दी जाना या बहुत देर से जाना या बहुत कम समय के लिए जाना ना जाने से हजार गुना बेहतर होता है समझा सर सर आपने इसीलिए आज हम ये कहते हैं कि अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे ठीक है मतलब शहर में या फिर आज हम गए दुनिया में किसी की जीत से ज्यादा हमारी हार के हल्ले ठीक है शायद इसीलिए बीजेपी थिंक ने यू यू बीइंग पार्ट बिकॉज़ आर अ पीपल्स पर्सन आप लोगों से करहल की टिकट एक आम टिकट नहीं है। जब श्री अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने उत्तर प्रदेश की चार विधानसभाओं में पिक एंड चूज करते हुए अपनी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित सेफ सीट को चुना तो फिर वो दो पार्टियों के लिए कोई एक विधानसभा अच्छी नहीं होती है कई बार कुछ ऐसे लोगों को टिकट मिल जाती है कि वो उसको भी अच्छा बना लेते हैं माने उसर में भी फसल पैदा करने की कोशिश करते हैं उसका करहल का इतिहास है कि समाजवादी पार्टी सत्रह की हवा में भी बीजेपी की हवा में जीती चौदह में बीजेपी की आंधी थी लेकिन मैनपुरी लोकसभा उनके पास रही उन्नीस में भी हमारी आंधी थी तो उसमें भी वो अपनी बचा पाई तो इसका मतलब रिकॉर्ड बताते हैं कि ये उनकी सीट है लेकिन आ, अपने मुझे नहीं अच्छा लगता कहने हुए मुझे कुछ घंटे पहले टिकट दी गई कुछ घंटे पहले वजह सर्जिकल पॉलिटिकल स्ट्राइक किसी को नहीं पता था देश में कि करहल कौन लड़ेगा तो वो फिर इतना एक नेम फेम है इतना काम है मेरी पड़ोस के वो ज़िला है खुशबू है तो दूर तक जाती है बदबू है तो भी दूर तक जाती है तो इतना इलेक्शन उठ गया कि जो श्री अखिलेश यादव ये कह के गए थे इकतीस जनवरी को डेढ़ बजे नॉमिनेशन करते हुए बाद में पी में ये कहा था कि चार चीज़ें हाईलाइट थी कि मैं अब चुनाव जीतने के बाद चालीस दिन बाद जीत का प्रमाण पत्र लेने आऊँगा दूसरा उन्होंने कहा था मेरे घर का कोई वोट नहीं मांगेगा कार्यकर्ता लड़ेंगे तीसरा उन्होंने अपनी जीत भी निश्चित कर ली थी कि एक लाख साठ हजार से ये चुनाव जीतेंगे चौथा उन्होंने कहा था ये मेरा गढ़ है गढ़ तो रहा उनका लेकिन गढ़ में दरारें बहुत पैदा करके आया हूँ ठीक है ना उस किले में किला गिरा नहीं लेकिन किले में दरारें बहुत पैदा हो गए कालांतर में वो किला गिरेगा लेकिन कुछ पहला उन्होंने कहा था कि वो नहीं आएंगे तो मेरा भी करहल की महान जनता के बदौलत और अपने पार्टी के उसपे पार्टी की दम पर मैंने भी एक बयान दिया था कि ये सात दिन के अंदर मैं आपको करहल ना बुला लूँ तो मेरा नाम एसपी सिंह बघेल नहीं है ये एक बड़ी चुनौती थी मैं देता नहीं हूँ जाता स्वीकार करता हूँ लेकिन आप ये देखिएगा कि जो व्यक्ति छह दिन पहले कह के गए कि वो आएंगे ही नहीं उनको छ फरवरी को आना पड़ा इसके बाद उन्होंने कहा होगा कि ये मुझे अभी कहा है और मुझे कैसे जवाब दूं तो फिर वो कह के गए होंगे कि आप तो आने ही नहीं है एक बार लेकिन किसी शुभ ने कहा कि शुरू का इलेक्शन अगर हाथ से जाता है तो पतंग कट जाती है तो जुड़ती नहीं है वरना तो चमचे यही कहते हैं भैया आने की जरूरत नहीं है और ये है क्योंकि नेता प्री सुनना पसंद करता है इनको कोई कहता कि आपका कर इलेक्शन ऐसी डर के कहा होगा कि फंस गया है ऐसा नहीं कहा कि आप हार जाएंगे तो उनको छह तारीख को आना पड़ा अगर जरा भी राजनीतिक सोच होती तो मैनपुरी आना था करहल को वहां बुलाना था लेकिन उस जिले में चार विधानसभा होने के बावजूद वो करहल आए तो इसको पत्रकार ने किसी ने पूछा भी कि आप अभी भी इकतीस जनवरी को कहा है आप छह फरवरी को आ गए और सभा की हेलीकॉप्टर से तो किसी ने गांव के आदमी ने पीछे से आवाज लगाई कि गांव में पड़ी मरी और अपनी अपनी पड़ी इसका यह अर्थ है गांव में कोई ये बीमारी हुई जिसमें हैं हो रही है तो आदमी अपनी जान बचाता है तो करहल के उन्होंने अपनी जान बचाई इसके बाद हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता ने फिर इलेक्शन इतना उठा दिया कि उनको तारीख को दोबारा आना पड़ा करहल में और साथ में अपने वृद्ध एवं बीमार पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को लाना पड़ा मुलायम सिंह यादव जी का आना अगर आम बात है तो मुझे अन्य विधानसभा भी बताइएगा क्योंकि उनके राजनीतिक जीवन में कई उनके शिष्य मित्र Uh, उनके एमएलएम पी के बच्चे उनके बहुत लोग घरेलू लोग लड़ रहे थे लेकिन वो कहीं नहीं गए तो मैं उनको ब्रह्मास्त्र कहता हूँ कि उस इलाके में मुलायम सिंह जी ब्रह्मास्त्र थे और ब्रह्मास्त्र चलने के बाद कमी लोग बच पाते हैं ये। तो ये उनका पहला दावा गलत हो गया नंबर दो उनका था कि उनके घर का कोई नहीं लड़ेगा कार्यकर्ता लड़ेंगे आप तो ये आप रिकॉर्ड निकाल लेना पी देख लोगे तो पॉइंट मिल जाएंगे आपको हर चैनल पे था तो फिर डिम्पल श्रीमती डिम्पल यादव उनकी वाइफ जो एम पी रही हैं श्री धर्मेंद्र यादव उनके भाई जो एम पी रहे श्री अक्षय यादव उनके भाई जो एम पी रहे श्री रामगोपाल यादव जी जो एम पी हैं और एक तेज प्रताप सिंह हैं जो करहल के ही एम पी रहे मैनपुरी के इतने लोग तीन राउंडों में कहीं नहीं गए तो तीन राउंड में एक सौ पैंसठ सीटें थी ये भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक बड़ा सहायक करहल का है कि अगर एक व्यक्ति एक दिन में केवल चार विधानसभाएं कर रहे जो हो जाती है मैंने तो साथ, साथ की है तो ये छह लोग चौबीस विधानसभाओं का दौरा करके शाम को लौटते हेलीकॉप्टर से तो दस दिन में दो सौ चालीस सत्रह दिन का आप लगा लो ये मेरे ख्याल से चार सौ के आसपास निकलता है तो चार सौ सभाएं हमने उनको नहीं करने दी करहल में खूंटे से बांध के रखा और घेर के रखा अगर ये लोग फ्री होते जैसे मैं लड़ने नहीं जाता तो करहल उनके लिए आसान होती तो फिर वो दौरा करते तो जो तीन राउंड में सीटें साथ एक सौ पैंसठ थी तो दो सभाएं हो सकती थी इनमें से किसी व्यक्तियों की तो पांच हजार से हारने वाली सीटों को ये जिता सकते थे फाइट में ला सकते थे तो ये भी चौथे राउंड में सब लोग निकले फिर ये सभी लोग चौथे पांचवें छठवें सातवें में निकले तो ये भी एक बड़ा कारण है कि इनको बांध के और घेर के रखने का काम करहल में किया तीसरा उन्होंने कहा था एक लाख साठ हजार से जीतेंगे तो एक लाख कहाँ गायब हो गया उनका ऊपर वाला चौथा उन्होंने कहा था ये गढ़ है तो गढ़ तो खैर वो बचा के रख पाए लेकिन लोकतंत्र और जमहूरियत में और डेमोक्रेसी में किसी को गढ़ कहने का अधिकार नहीं है ये रानी के पेट से पैदा होने वाला राजा कह सकता है ये मेरा किला है लेकिन लोकतंत्र में नहीं कह सकते फिर मैंने गढ़ों को गिरते हुए देखा है श्रीमती डिम्पल यादव गढ़ समझ के फिरोजाबाद आई थी फिर वो चुनाव हारी फिर दोबारा अक्षय यादव फरोजाबाद से लोकसभा का चुनाव हारे तो ये लोग समान सीटों पर नहीं लड़ते हैं ये उत्तर प्रदेश में टॉप फाइव चुनते हैं और उस पर घर के पांच लोग जाते हैं फिर आपने देखा होगा श्रीमती कन्नौज डेमोक्रेसी में दो बड़ी गुंडागर्दी हुई है ये पहली बार में पहली बार देश की जनता जानेगी याद तो है उनको याद नहीं रहता है लेकिन पता है एक आपके जन्म से पहले 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए आपातकाल लगाया जी। ये डेमोक्रेसी का गला घोटा गया था द ब्लैक डे ऑफ द डेमोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि इनटॉलरेंस तो आप तो देखो आपने आपातकाल लगाया था ये एक दूसरी मैं ये मानता हूं कि 2012 में श्री अखिलेश यादव जब कन्नौज के एमपी थे और चीफ मिनिस्टर हो गए तो इस्तीफा दिया तो बाई इलेक्शन हुआ तो श्रीमती डिम्पल यादव के खिलाफ किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया ये भी राजनीति छात्र के बच्चों को इस पर पी करनी चाहिए विषय दे रहा हूँ कितना बढ़िया टॉपिक दे रहा हूँ कि जबकि क्या है आप पत्रकारिता में हैं तो आपको कहीं से जर्नलिज्म का कोर्स करना पड़ा होगा कोई पुलिस में जाता है तो उसको फिजिकल देना पड़ता है रिटर्न देना पड़ता है इंटरव्यू देना पड़ता है हमारी राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए चार शर्तें हैं भारत का नागरिक हो पागल पागलो दिवालिया ना हो उम्र पच्चीस साल हो और सजा याफ्ता ना हो कोई भी रिक्शा चलाने वाला नॉमिनेशन कर सकता चुनाव होगा फिर तो चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया से चुनाव कराएगा भले उसको एक वोट पड़े पड़े जी सामने वाला चौदह लाख से जीते लेकिन श्रीमती डिम्पल यादव जी के सामने पूरे हिंदुस्तान का आदमी चुनाव लड़ सकता है उसमें यह भी नहीं होता गांव के प्रधान की तरह की वो उस, उसका वोट वहीं होना किसी ने नहीं लड़ा वो निर्रोध होंगे तो मैं कहता हूं कि देश में निर्रोध पार्षद नहीं जीत पाते हैं वो निर्रोध सांसद हो गए तो ये कहीं ना कहीं गुंडागर्दी हुई है दूसरी आप पराकाष्ठा देखो कि जिस कन्नौज से वो निर्रोध हुई है उसी कन्नौज से 2019 में उन्नीस पाठक से वो चुनाव हैं तो ये गड़ का श्री धर्मेंद्र यादव उनके भाई हैं, जो से लड़ने गए जीते कई बार और उन्नीस में वो हारे हैं तो ये गढ़ गेरा तो करहल भी गिर सकता था कोई तो ऐसी बात नहीं थी और अभी आपने देखा होगा कि चन्नी दो जगह से मुख्यमंत्री जी दो जगह से हारे हैं प्रकाश सिंह बादल साहब हम जब पैदा हुए थे तो एम एल हो चुके थे वो हारे हैं सिद्धू जो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं पार्टी के अध्यक्ष थे वो चुनाव हारे हैं तो करहल भी हारी जा सकती थी करहल सीट वो है एक तो जनता को लगता है कि जितनी करहल मजबूत है उतनी पूरा यूपी मज़बूत है तो उसकी बगल में जसवंत नगर उनकी मजबूत है बगल में जसराना मजबूत थी बगल में सिरसागंज मज़बूत थी और चारों रिजल्ट सपा के आए हैं तो लोगों को लगता था कि उनकी सरकार बन रही है अगर ये आईना कहीं से पहले पता चल जाए कि दो सौ के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी तो अखिलेश यादव जी को भी हरा देते और लोग अपने प्रत्याशी को क्योंकि वो भी अगर जीतता तो कोई बड़ी भूमिका में रहता तो लोग करते उस बात को उन्होंने वो तो डिसीजन मेकिंग मतलब जो हमने या पार्टी ने जो सोचा था एक रणनीति बनाई थी कि उनको बांध के रखना है तो इतना भी नहीं हमको अंदाज था कि घर के छह लोग पूरे सत्रह दिन वहां रहेंगे दूसरी बात है एक बात है जो उनका नाम ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग सब जानते हैं श्री धर्मेंद्र यादव जी के पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के भाई एक अभय राम यादव जी वो अपने जीवन में कभी प्रचार करने नहीं गए जबकि उनके बेटे चुनाव लड़े उनके भाई लड़े सब वो नहीं लड़ते वो प्रचार नहीं करते इस बार वो भी प्रचार करने के लिए निकले तो तीन पीढ़ियों ने मेरे सामने प्रचार किया है नेताजी ने और अखिलेश यादव ने और उनके बच्चों ने भी बच्चों ने। सर जो ये करेल इलेक्शन था इसके अंदर हम अगर इसे आज की यूथ के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है उससे अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सारे एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयज को पहले नहीं रखते वो हमेशा खुद को पहले रखते हैं आपने इतनी डिफिकल्ट फाइट लड़ने की सोची ठीक है क्योंकि आपके बीजेपी थिंक टैंक ने आपको आगे रखा उन्होंने बोला कि आपको ये चांस लेना है आपको जाना है इसे फाइट करने के लिए तो आपके माइंड में कहीं ऐसा नहीं था कि हार भी सकते हैं या फिर क्या होगा उसके बाद नहीं वो तो मैं कभी चिंता ही नहीं करता मैंने मैं वही चुनाव हारा हूँ जिसमें मेरी कुश्ती बहुत तगड़ी बांधी है मैं केवल वो चुनाव हारा जो मुलायम सिंह जी के परिवार से लड़ा हुआ अखिलेश यादव से मेरा दूसरा चुनाव है डिम्पल यादव से लड़ चुका हूँ अक्षय यादव से लड़ चुका हूँ सामान सीटों पर मैं नहीं लड़ता तो वैसे भी नेशन फर्स्ट होना चाहिए पार्टी सेकेंड होनी चाहिए और इंडिविजुअल थर्ड होना चाहिए तो अब मन्यू ने अगर मना कर दिया होता उस दिन जो चक्रव्यू द्रोणाचार्य ने रचा था और जबकि उसे पता था कि उनकी माँ की नींद तब खुल गई थी जब सातवां द्वार तोड़ने की योजना अर्जुन अपनी पत्नी को समझा रहे थे और ये हमारी हिंदू मैथोलॉजी में कि गर्भस्थ बच्चा सीखता है बहुत सी बातें तो ये कोई गुलसन नंदा प्रेम वाजपेयी रानू सिफी एब या सिपी बी चेज के पात्र थोड़े हैं ये तो द्वापर की बात है सच बात है अगर उन्होंने मना कर दिया उसे पता था मैं सातवां द्वार नहीं तोड़ पाऊंगा और किसका सामना था उनका भीष्म पितामह से द्रोणाचार्य से कृपाचार से अस्वस्थामा से कर्ण से और दुर्योधन से उनका सामना था लेकिन उसके बावजूद और अगर वो चक्रव्यूह तोड़ देते तो मुझे लगता है उतना नाम नहीं होता वो तो, तोड़ने के कगार पे थे और सातवां दरवाजा टूटना था और वो मारे गए और उसमें भी नियम विरुद्ध हुए निहत्ते पर वाद नहीं होता है तो उस पर क्या उसको रथ का पहिया लेना पड़ा तो मुझे तो एक शेर याद आता है हमेशा करहल पर करहल की हार पर की कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर उतार कर हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर दूसरा जो पत्थर अपनी शरीर पर छनी हथौड़ी नहीं चलवाते हैं जी वो नालियों में और सड़कों पर लगते हैं और जो पत्थर अपने शरीर पर छनी और हथौड़ी चलवा लेते हैं वो फिर कहीं ड्राइंग रूम में लगते हैं या मंदिर में लगते हैं सर शायद आपकी यही कुछ बातें हैं जो लोगों को आज इंस्पायर करने वाली हैं बहुत सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है भी हमने पॉलिटिक्स के बारे में काफी कुछ डिस्कशन किया आज अगर हम बात करते हैं 20 साल में 1993 से 2023 आने वाला तो अगर आ, पॉलिटिक्स के इवोल्यूशन की बात करें पॉलिटिक्स कैसे बदला विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोशल मीडिया जैसे मैंने आपको देखा है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ तीन चीजों के अलावा चौथी चीज नहीं लिखते अगर मैंने आपका फेसबुक बहुत ही ध्यान से यहाँ पे आने से पहले देखा तो मेरे को समझ में आया कि आप ज्यादा कुछ कहती ही नहीं है आपका क्या ठीक है इस पर शताब्दी का ये गजब का आविष्कार है फेसबुक सोशल मीडिया आ, मैं तीन शब्द लिखता हूँ और वो भी जरूरी नहीं है कि मैं लिखूँ एक किसी की मृत्यु हो जाती है तो मैं ओम शांति लिखता हूँ एक कोई मेरे लिए अच्छा लिखता है तो मैं धन्यवाद देता हूँ उसको और एक किसी का जन्मदिन या शादी विवाह है तो मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेसन लिखता हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी एनर्जी वेस्ट होती है कि कोई भी व्यक्ति जैसे आप ही आज मेरे फेसबुक पर ये लिखें कि आपने का काल में कुछ किया है क्षेत्र में अब इसका क्या आंसर हो सकता है बताओ अब मैं फिर अपना रजिस्टर निकालू फिर टाइप करूँ पूरी रात सड़क इतनी बनाई स्कूल इतने बनाए बिजली इतनी दी हैंडपंप इतने लगाए लाइसेंस इतने बनवाए तो ये संभव नहीं है जी तो इसका बड़ा महत्व है लेकिन बहुत दिल से नहीं लगाना चाहिए जैसे पूरे चुनाव भर में अपने टेलीविजन के तार काट देता हूँ और अखबार नहीं पढ़ता हूँ अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो भी आपके खिलाफ समीक्षा लिखी जा रही है तो उन दिनों क्या होता है कि चुनाव के समय सात जन्म पुराने ना पाप को भी निकाले जाते हैं कि आपके ग्रैंडफादर की हमारे ग्रैंडफादर से 1956 में लड़ाई हुई थी इसलिए हम आपको वोट नहीं कर रहे हैं आदि आदि तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है ये भी एक डेमोक्रेसी का पिलर है लेकिन आप ये देखते होंगे कि अखबार एक ऐसी चीज़ थी मुझे याद आ रहा है कि मेरा पहली बार नाम जब मैंने एम प्रीवियस को टॉप किया तो एक एसोसिएशन सब्जेक्ट की बनी उसको मैं नियम है वहाँ का जो प्रीवियस का टॉपर है वो सेक्रेटरी बनेगा और जो फाइनल में है प्रीवियस का टॉपर वो दो लाइन अमर उजाला में लिखी थी उसको काट के रखा था तो बहुत कम लोगों को जिंदगी में अखबार में मौका मिलता है जी। तो ये एक बहुत अच्छा अखबार है कि आप अब कुछ भी लिखिएगा कुछ भी अच्छा रिपोर्टर को करना पड़ता है फिर उस पर एडिटर होता है प्रूफ रीडिंग होती है पता नहीं क्या क्या होता है फिर लेकिन ये तो आपका अपना अखबार है जिसके खिलाफ जो लिख सके या पक्ष में लिख सके कोई फिल्टर नहीं है तो लेकिन आप इसको एकदम इग्नोर नहीं कर सकते हाँ लेकिन मैं देखता हूँ कि सौ अच्छे कमेंट होते हैं तो एक आता है नेगेटिव आता है क्योंकि बहुत चीजों का ये होता है ना कि अपने यहाँ जातवाद भी बहुत है पार्टी के कठोर लोग होते हैं तो उनको जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी तो जो जो जैसे एंगल से देखता है कई बार मैं देखता हूँ कि नेगेटिव वाले के पीछे जो गोत्र देखता हूँ तो पर्टिकुलर जात का एक पर्टिकुलर गोत्र निकलता है जी। एक पर्टिकुलर धर्म के लोग निकलते हैं तो वो उनको जैसे नाम पढ़ते हैं हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें उल्टा ही आएगा लेकिन फिर भी आ, सोशल मीडिया के जमाने में पहले हमारी पूरी लोकसभा में कुछ पत्रकार होते थे कुछ कैमरे होते थे अब आप जिनसे बात कर रहे हैं जितने लोग इस देश में है, उतने हैं उतने कैमरे हैं और इस देश में जितने लोग हैं उतने टेप रिकॉर्ड हैं और नथिंग इज ऑफ द रिकॉर्ड तो आपको अपना चाल चरित्र और चेहरा ये हमेशा आपको सोचना चाहिए कि आप सीसीटीवी कवरेज में ही हालांकि मैं बहुत खुल के बात करने वाला आदमी जो मैं बेडरूम में बात करता हूँ आपने देखा होगा मैं किसी से अलग नहीं मिला अभी एक दो लोगों ने कहा भी कि अलग बात करनी है तो जो बात अलग होके करनी है वो मैं काम करता ही नहीं हूँ इसलिए आपकी सिफारत से कोई काम है तो आप भी सुनो आप भी सुनो क्योंकि मैं जो है वही काम लेता मीडिया तो का बहुत वो है और एक इसके लाभ भी बहुत है कि हाँ डेमोक्रेसी का, का पिलर है बस उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए वॉइस धोखे नहीं लिखना चाहिए कुछ मेरे को जब मनोरंजन करना होता है तो मैं रात में एक दो बजे जब छेद से लौटता हूँ तो कुछ ग्रुपों को पढ़ता हूँ लगातार टाइप इतनी अच्छी टाइपिंग कर रहे होते तो स्टेनोग्राफर भी हो जाते अगर खास उन्होंने पहले प्रैक्टिस कर ली होती तो रात भर लिखते हैं शांत सुखाई के लिए लिखते हैं और कई चीजें खैर फिर भी आ, जैसे मेरे बेटे का भी एम में सिलेक्शन हुआ सोशल मीडिया पर पढ़ा तो एक लोग ये जान पाए क्योंकि क्यों, वो अखबार में नहीं आएगा कोई वो सिविल तो सिविल का भी निकलता है तो उसी शहर का निकलता है कि इस बच्चे ने आईएएस किया या आईआईटी टॉपर ने किया तो सोशल मीडिया से इतना यह हुआ कि लोग फिर उसमें एक ने लिख दिया कि जब आपकी बेटी एमबीबीएस की थी और एम एस की थी फेसबुक नहीं पड़ी थी और आपका बेटा है तो ये मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ तो, तो वाला पार्ट बताते टाइम बराबरी का वो करता हूँ बेटी ने भी एमबीबीएस किया बेटे ने भी किया लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कई लाख लोग ये जान गए हैं कि नेताओं के बच्चे भी पढ़े पढ़े लिखे होते हैं और अच्छे होते हैं तो मेरे को बाद बहुत लोगों ने ये बधाई दी अरे आपके दो बच्चे हैं एक बेटी आपकी एम बी बी एस एम एस से बेटे ने एम बी बी एस कर लिया है गवर्नमेंट कॉलेज से किया तो ये सोशल मीडिया क्योंकि ये हम न्यूज में नहीं छपवा पाते तो ये भी है और बदनामी भी बहुत जल्दी होती है और ये कहीं इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स भी है ओवर टाइम मतलब जैसे नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर देखें तो बहुत एजुकेटेड पॉलिटिशियंस जैसे पहले की ठीक है जनरेशन पॉलिटिक्स चल रही है अब जैसे आप एजुकेटेड हैं तो आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो एक अलग बैट करते हैं लोगों के अंदर पॉलिटिक्स ये है कि नई पीढ़ी जो आ रही है वो वोट मांगते हुए ये भी पूछती है, तीन में ये लिखा है ये हो पाएगा क्या फिर आ, हर साल हर इलेक्शन में एक नई जनरेशन आ रही है जो चौदह से आ, तेरा से अठारह हो जाती है वोटर हो जाता है तो तेरह वाला उस समय नहीं होता है इस इलेक्शन में तेरह वाला का आईक्यू कुछ दूसरा है अगले इलेक्शन का होता है और वो अच्छी स्कूलिंग अगर उसकी तो पूछता वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आपकी क्या ग्लोबल है ना तो ए, भी हो रहा है हाँ। तो एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स भी हो रहा है तो नई पीढ़ी जो आ रही है वो बहुत ज्यादा जातवाद पे उस पर नहीं काम कर रही है उसमें राष्ट्रवाद भी है और वो पार्टी की रीति रीति सिद्धांत कार्यक्रम भी देखती है और अपने एमपी को भी देखते हैं कि अगर कुछ पढ़े लिखे होंगे तो हमारी बात को बेहतर तरीके से लोकसभा या राज्यसभा में कह पाएंगे और आज अगर इन यू, इस यूथ को कहना हो कि ये लोग पॉलिटिक्स में आए क्योंकि पॉलिटिक्स को ये लोग अच्छी नजर से नहीं देखते सर मेरे आपसे दो सवाल है पहला ये कि आपने जैसे बताया कि आप दिन में अठारह घंटे काम करते हैं ठीक है ये एक चीज है जो हमें जो कोई यूथ नहीं समझता उन्हें लगता है कि एक सीट मिल गई हाँ, किसी को ऐसे बच्चों को किसी को घर आते हैं मैं उनको निमंत्रण दे रहा हूँ उनसे कहूंगा कि आना तो कई महीने पे मेरे घर के आसपास ही निकल पड़ेंगे मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना इजी नहीं है लेकिन पॉलिटिक्स में एक बात और है जैसे आप मान लो पत्रकार है आपकी कोई चैनल है कोई आपका संपादक है आप नहीं कुछ करके दोगे तो आप आपको हटा दिया जाएगा ये पॉलिटिक्स में ऐसे है कि एक बार जीत गए तो अगर आप नई काम कर रहे हैं तो पांच साल बाद टर्मिनेट हो गए लेकिन पांच साल में रिकॉल नहीं हो सकते आप लेकिन जी, जी, जी. लंबे समय तक जिसको राजनीति करनी है उसको सेवा करनी ही पड़ेगी दूसरा यह है कि क्या सवाल था और सर, सर मेरा दूसरा सवाल यह था कि यूथ पॉलिटिक्स में कैसे हाँ मैं ये कहना चाहूंगा दोनों बातें हैं गले के हार भी वो देखें और पैरों के छालों को भी वो देखना चाहिए उनको मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहा हूँ कि मैं अट्ठाईस साल से दोपहर में सोया नहीं हूँ दिन में सोई नहीं हूँ कितने लोग होंगे दो बात है मैंने अपने घर में सुबह का ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों नहीं किए अपने घर में इसका मतलब क्या आपसे निकला मैं पूरे दिन घर में नहीं था कोरोना काल जिसमें अघोषित कर्फ्यू लगा था मेरे पास समय की कमी अगर कभी रही है तो कोरोना काल में रहिए क्योंकि मैं चालीस ट्रैक्टरों को लेकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रहा था जब बेटा बाप को थाली सरका के दे रहा था पड़ोसी का पड़ोसी गेट नहीं खुल रहा था क्योंकि तो मेरी एक फिलोसफी है मैं जिस दिन पैदा हुआ था ये छह बार एम पी एमएलए मिनिस्टर शायद नहीं तय हुआ हुआ लेकिन मेरी मृत्यु का स्थान तरीका और प्रकार तय था तो फिर मैं कहता था कि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सावधानी बरतते हुए आप देखो कोरोना टाइम में मैं कोरोना पॉजिटिव लोगों से मिला हूँ अस्पतालों में गया हूँ क्योंकि मेरी उसके पीछे मेरा अपना एक दर्शन होता है कि अगर दो गज दूर रहने को कहा गया है तो अभी वो इंजेक्शन नहीं बना था जो सिस्टर दो गज दूर से लगा थी और वो दर क्या लगाते हैं मैं तो नाम याद नहीं आ रहा है आ, तो वो जो चढ़ता है तो वो यहाँ आना पड़ेगा पैरामेडिकल स्टाफ को तो हम क्यों नहीं।, नहीं जा सकते तो मैं तो माथे पे हाथ रखता था लेकिन उस समय मेरे पास दो दस्ताने होते थे किट पहने होता था मास्क तीन लगाए होता था तो वो तो लोग शहर गए उस फोटो को देख करके कि जो है कोरोना पॉजिटिव से भी मिल रहा था तो कहने का मतलब जो मैंने तीनों खाने नहीं खाए हैं खाने खाए हैं तो जिंदा कैसे हूँ तो कहीं खाए हैं तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ आई हुई जनता से मिलता हूँ लंच अपना पैक कराता हूँ और रात का खाना मैं किसी क्षेत्र में किसी, किसी, किसी समारोह में या किसी कार्यकर्ता के यहाँ या कहीं पर खा के आता हूँ क्योंकि दो बजे आके परिवार से गर्म खाना बनवाना और ये भी एक अन्याय है शोषण है तो भारत में बहुत अच्छा होता है कि खाने को पूछते जरूर है सर जैसे भी आपने हेल्थ केयर के बारे में बात करी जैसे कोविड के टाइम पे बात करी तो जैसे एक डे टू डे एक्टिविटी में जैसे आप जैसे आज मेरे सामने चार लोग आपसे मिलने आए जब हम वेट तो आपके पास ऐसे में कौन सी बीमारियों के लिए लोग आते हैं और आप कैसे उनकी हेल्प करते हैं मतलब इंस्टेंट कोई उनको हेल्प मिल पाती है बहुत पहले जब एम बनने के कगार पे था तो अचानक एक दिन ये दिमाग में आया कि यद मैं लोकसभा का एमपी बनूंगा तो मैं इतवार को जनता से जरूर मिलूंगा क्योंकि तो उस दिन पार्लियामेंट नहीं चलती राज्यसभा में जाऊंगा तो राज्यसभा नहीं चलती विधानसभा में जाऊंगा तो विधानसभा नहीं मंत्री बना तो कैबिनेट नहीं होती संयोग से वो सब चीजें हो गई मैं लोकसभा में भी आ गया राज्यसभा में विधानसभा में मंत्री भी दिल्ली में भी लखनऊ में संडे को अगर आप अपने निजी कार्यक्रम ना लगाए तो पार्टी और गवर्नमेंट दोनों आपको उस दिन कोई काम नहीं बताती है तो लोग कहते हैं संडे फैमिली का होता नहीं संडे को मिलेंगे तो गारंटी है सौ परसेंट मिलने की क्योंकि उस दिन कोई दूसरी नहीं होती कोई भी नहीं तो लोकसभा के लोग कम से कम आते हैं मौसम ठीक है तो मैं एक नीम के पेड़ के नीचे बैठता हूँ आज भी आज भी और कोशिश कर जिससे ये बहना ना हो एक आप पहले से आपने तय कर लिया है पुलिस घुसने देगी सिक्योरिटी वाले रोकेंगे घर में कुत्ते बंधे होंगे आदि आदि अपने आप सोचते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित है जनता आपने कहा कि अपना फोन ताँग ताँग वो ताँग फोन ताँग का जवाब नहीं दे पाया फोन किसके लिए आता है जो मेरी वाइफ के पास अपना है बेटी के पास अपना बेटे के पास तो उनके लोग तो उनको फोन करेंगे मेरे फोन पर घंटी बजने का मतलब उसको केवल मेरे से मतलब है फिर पीए उठाएगा फिर वो टाइम लगेगा फिर कई लोगों का होता है कि बड़े लोगों से बात करा दो और बेचारा कोई कलुआ और खचेड़ू फोन कर रहा है तो उसको अवॉइड कर दो तो मैं कम से कम नंबर फीट करता हूं अच्छा। कम से कम जिससे अननोन फोन को उठाया जाए और ऐसा भी मैं कहना चाहूंगा कि सारे फोन आपको परेशान करने के लिए नहीं होते हैं। कुछ फोन आपको बहुत बड़ा लाभ पहुंचाते हैं जैसे उसने कहा एक एक्सीडेंट हो गया चार लोगों की डेथ हो गई अब आप उसको अवॉइड कर रहे हैं और आप पहुंच नहीं पाए और दूसरी पार्टी पहुंच गई तो गांव की भाषा में दंगल उनने लूट लिया तो बहुत सी बातें हमारी राजनीति को हमें सहायता के लिए भी आते हैं दूसरा मैं चिट्ठिया ज्यादातर अपने हाथ से लिखता हूँ अभी भी उसका पीछे कारण है कि मुझे ज्यादा पता है किसको प्री लिखना है, किसको माननीय किसको आदरणीय लिखना है, है भाषा क्या रहनी क्योंकि मेरे नाम के आगे प्रोफेसर लगा मैं आ, मेरे शब्द बहुत अच्छे होने चाहिए तो कोशिश करता हूँ लेकिन टाइप भी करता हूँ मैं तो प्रधानमंत्री जी से जो प्रधानमंत्री राहत को उससे पैसे मांगता हूँ नब्बे परसेंट मेरी हाथ की लिखी हुई चिट्ठिया है अच्छा हाँ तो और मुझे लगता है कि हाथ से लिखना और टाइप करने में बड़ा टाइम अंतर होता है तो पर्सनल टच भी एक चीज होती है हाँ, तो एक बार एक एक ने कहा कि आज जो है फर्जी चिट्ठी आपकी आ गई तो मैंने क्या टाइप आई है <laughs> तो, <प्यार आँचे> <laughs> तो मैंने कहा कि मेरे को दिखाओ जरा व्हाट्सएप पे भेजो तो वो जिसका काम था उसने मेरे स्टाफ से कहा नहीं, नहीं मेरे को तो टाइप ही चाहिए अच्छा हाँ तो इसलिए वो टाइप थी और सर जैसे आज इंडिया में जैसे कैंसर बहुत ज्यादा है टीबी है

कैंसर के मरीज ना तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना में आयुष्मान कार्ड के द्वारा प्रति प्रति व्यक्ति लाख रुपए साल का उनका जो है है इलाज होता है और बड़े अस्पतालों में होता है दूसरा जब मैं पहली बार एम पी बनाता तो एक व्यक्ति मुझे कैंसर है तो मैं खड़ा हो गया डर के मारे मैंने कैंसर है फिर मैंने उसको कहा कि तीन ऑप्शन है या तो एम्स के गेट पे कल साढ़े बजे मिलना या आगरा में एपी एक्सप्रेस के

कम से कम पाँच फोन आते थे या तो ऑक्सीजन सिलेंडर या वेंटिलेटर या रेमडेसिवियर इंजेक्शन या हॉस्पिटल में एडमिशन आता था करना चाहिए सब लोगों ने किया बीजेपी ने तो बहुत किया तो प्रधानमंत्री जी की ये योजना बहुत अच्छी है स्वास्थ्य वाली तो कैंसर मरीज तो वो एक आया फिर महीने में एक आने लगा फिर महीने में दो आने लगे मेरा कार्यकाल बढ़ता रहा फिर तीन फिर चार फिर ऐसा जीवन का को कोई दिन नहीं है जिस दिन कैंसर के मरीज कम से कम दस ना आए तो हम फिर एम्स के लिए और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए एक दिल्ली सरकार का उसके लिए बगल के राज्य में ग्वालियर भी लिखते हैं कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए तो सवाई मान सिंह कॉलेज के लिए और बहुत अच्छी बात यह है कि प्रधान ये एडमिशन के लिए तो हम चिट्ठी लिखते हैं लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से अगर उनकी पैनल में वो अस्पताल है अगर वो व्यक्ति सेल टैक्स पे सरकारी कर्मचारी इनकम टैक्स पे नहीं है तो टोटल एस्टीमेट का प्रधानमंत्री जी के यहाँ से चालीस परसेंट पैसा भी जाएगा अच्छा और मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पचास परसेंट कोई सी एक सहायता तो ये मैं फिर समझाता हूँ माननीय प्रधानमंत्री के नाम एक शब्द लिखो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हमको आर्थिक सहायता और एस्टीमेट डॉक्टर का दो फोटो आ, उसका क्या नाम दो फोटो होगा एक प्रमाण पत्र देना कि अभी तक मुझे कोई सरकारी सहायता नहीं प्राप्त हुई श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली लिफाफे में भर के डाल दो ये सभी ओरिजिनल पैसा पहुंच जाता है तो मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से तीसरे चौथे दिन चिट्ठी आती है सेंक्शन वाली कि इसको सेंक्शन हुआ तो कैंसर बहुत बढ़ रहा है इसके कारण मुझे नहीं समझ में आते हैं क्या है लेकिन जब मैं पहली बार एमपी बना था तब से पॉपुलेशन दस गुनी नहीं हुई लेकिन मरीज, मरीज सौ गुने हो गए जबकि आप लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है तब तब भी आप ये सब चीजें कर रहे हैं मेरा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी है कि जैसे आज इंडिया में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट में और डिसीजन डिले होते हैं तो आज हमारी गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है नहीं उसके लिए जहां पर उस राज्य के नियमों के अनुसार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोई नई बेंच के लिए कहते हैं तो बेंचें खुल रही है मोदी जी के नेतृत्व तो में हमने, हमने हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने और हमने जजों की नियुक्ति हंड्रेड से ऊपर छोटे से कार्यकाल में कर डाली है फाइल पेंडिंग नहीं रखते तीसरी बात है फास्ट ट्रैक कोर्ट हो रही है ग्राम न्यायालय खुल रहे हैं दूसरा साइंटिफिक एविडेंस को शामिल करते हुए कन्वेक्शन भी बढ़ रहा है तो आ, आप ये देख रहे होंगे कि विलम्ब जो विलम्ब के कई कारण है क्या होता है कि अगर किसी के पिताजी की हत्या हुई है तो भी उसको कोर्ट में आना पड़ेगा फिर वो कहता कि मेरे आज आलू खुद रहे हैं दूसरी तारीख ले लो फिर कहता कि शादी है तो आपको अपनी पिताजी के कत्ल करने वाले मुलजिमों को भी एकर आपने सजा दिलानी है तो भी -दस बार आना पड़ता है तो लोगों के काम रहते हैं फिर एक एफ आई आर लिखता है, उसको है। फिर डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसको कोर्ट में आना है का मुकदमा वाले को आना है आईओ को आना है फिर चश्मदीद गवाहों को आना है ऐसे बहुत कम संयोग होते हैं कि सभी लोग आ जाए तो ये डिले होता है डिले के कारण के पीछे ये भी बहुत बड़ी एक कारण है कि क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है ना कि सौ बेगुनाह

वो भी और दूसरा देखिए यही फिल्में समाज का दर्पण होती हैं एक सनी देओल की ऐसी फिल्म में डायलॉग था बड़ा हिट हुआ तारीख पे तारीक तारीक पे तारीक पे तारीख 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 तो, तो पड़ती है ऐसी तारीख दोनों पक्ष तारीखें लेते हैं सर मेरे को पता है कि आपका ज्यादा टाइम नहीं है मैं आपके बस पाँच मिनट और लेना चाहूँगा आपसे कुछ पूछने के लिए सर हम एक रैपिड फायर खेलना चाहते हैं आपके साथ बिकॉज वी वॉन्ट पीपल टू नो अ पॉलिटिशियन विदाउट पॉलिटिक्स ठीक है हम आपके बारे में आपकी लाइफ के बारे में कुछ चीज आपसे जानना चाहेंगे जो यूथ का कहना है कि हम रूम में बैठ के आ, युक, आ, वो इज इज नॉट नॉट डूइंग गुड गोइंग पड़ोसी के बनने पे जा, जाना नहीं है तो राजनीति अगर गंदी समझते हैं तो अच्छे लोग आ जाए जो गंदे लोग हैं वो बाहर हो जाएंगे तो मेजोरिटी में लोग आ जाए तो डेमोक्रेसी के चार पिलर हैं कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका और मीडिया तो उसके किसी भी पिलर में घुन लग जाएगी तो डेमोक्रेसी को खतरा हो जाएगा तो ये कह के ये खराब ही अच्छी बात नहीं है आप आइए ना मैं उन लोगों को भी कहता हूँ जो विदेश जाते हैं अरे भाई अपने देश में रह के हम जितनी साफ सफाई कर सके और जो हम गौरैया प्रयास कर सके वो हमें करना चाहिए मेरे बच्चे नहीं जाएंगे विदेश जबकि डॉक्टर सबसे पहले भागते हैं उनका ये कहना है कि हम ये बहाना बनाते हुए कंट्री में सुविधा नहीं है तनख्वाह कम है फलाना है दिखाना है और हम सरकार ने इतना पैसा हम पे खर्च किया हम जाके विदेश में सेवा करें तो हम जो प्रयास कर पाएंगे अपने कंट्री को ठीक करने का चाहे वो एक बूंद के बराबर हो उसको करना चाहिए तो मैं आह्वान करना चाहूंगा लोगों का कि राजनीति में आए और दूर से ना देखें किसी को समझना है कि राजनीति अच्छी या बुरी तो पहले राजनीति में आए तो फिर देखें और अगर कोई गंदगी है तो अच्छे लोग आकर के मेजोरिटी में आ, आ जाए तो बुरे लोग अपने आप बाहर हो जाएंगे या फिर एक दिन के लिए मैं तो ये बोलूंगा एक दिन के लिए सेवन के कामराज लेन आके देखें और समझें कि सर होते ही नहीं और जब आते हैं तो कितने सारे लोग बैठे होते हैं सर मैंने ये चीज देख ली पिछले दो दिन में सर मेरा जो रैपिड फायर राउंड है उसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका सबसे फेवरेट फूड क्या है दाल रोटी सब्जी चावल लौकी तुरई तो कद्दू और आपकी फेवरेट टूरिस्ट प्लेस आ, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के गांव तो आपकी फेवरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है

होता है कि हम हमारे मारने पे तो थोड़ा प्लास्टर गिर सकता है लेकिन वो इतने डेलीकेट होते हैं उनके फ्रैक्चर हो जाएगा <laughs> तो मैं फिल्में देखता हूँ अंकुर जैसे अंकुर देखी एक फेवरेट नहीं है अंकुर है दामुल है पार है अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है आक्रोश है अर्ध सत्य है वेल्डन अब्बा है ये मेरी फेवरेट फिल्म है और हीरो हिरोइन मैन ओमपुरी साहब हैं नसीरुद्दीन साहब हैं पुरी साहब हैं नंदिता दास है, शबाना आजमी जी हैं, स्वर्गीय और स्टेज आर्टिस्ट जो रहे हैं खासतौर से वो देखता हूँ मतलब आर्ट को पसंद करते हैं बट मोर रियलिस्टिक फ्रंट पे होना भी चाहिए जी फालतू की फैंटेसी में रहो जब वो कोई मुक्का मारता है हीरो और तो उसमें थर्ड क्लास में बैठे हुए ताली बजाते हैं क्योंकि खुद तो नहीं मार पाते हैं उसमें अपने को ढूंढते हैं तो एक थोड़े समय के लिए हम हम हीरो बने उसमें कोई फायदा नहीं है हम लाइफ लॉन्ग uh, फेवरेट बुक कोई बुक जो आप uh, पढ़ सबको आपको फेवरेट लगी हो सबसे ज़्यादा हाँ मेरी फेवरेट है मृत्युंजय और uh, मृत्युंजय ओके okay. सर मैं इस करंट एपिसोड को एंड करूंगा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हुए ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है फेवरेट गाना भी पूछ लो फेवरेट शेर पूछना चाहूंगा आपसे गाना भी गाने की अगर आप दो लाइन गा दें तो सर बहुत अच्छा होगा नहीं मुझे गाना नहीं आता लेकिन आज जाने की जिद ना करो यूं पहलू में बैठे रहो ये गजल मेरी बड़ी फेवरेट है सर आ, और कोई शेर जो आपने भी बहुत सारे सुना है, है कोई एक जो आपके भी दिमाग में आ रहा है क्योंकि आपके आप आप विद टाइम एकदम सही टाइम पे एकदम सही शेर बोलते हैं बट कोई ऐसा जो आपको बहुत पसंद हो एक माँ के ऊपर मनोहर राणा का लिखा हुआ है किसी के हिस्से में मकान किसी के दुकान आई मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माई कभी माँ के आगे खुलकर मत रोना जहाँ बुनियाद होती है इतनी नमी अच्छी नहीं होती अदम गोंडवी साहब की मेरे को दुष्यंत मेरे सबसे फेवरेट है और ये दिल्ली वालों ने सरकार बनाई इस से आ, हो गई है पीर पर चाहिए इस हमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए और हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए व्यवस्था परिवर्तन और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए मोदी जी पर एक बार शूट करता है आपसे ना मांझी न रह न हक में हवाए है कश्ती भी टूटी ये कैसा सफर है फकीरी का अपना अलग ही मजा है न पाने की चिंता न खोने का डर सर आपने अपनी और एक और उन पर शूट करता है उसके तमाम चेहरों पर खौफ जारी है एक चिराग अंधेरों पर कितना भारी है आप... सर मतलब मैं दोबारा थैंक यू बोलूँगा कि आपने इतना टाइम निकाला मेरे लिए हमारे इस चैनल के लिए सर मेरा आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इंसान ज़िंदगी में थोड़ा भी बहुत कुछ थोड़ा कुछ भी कर लेता है ना तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है मैं आपको दो दिन से देख रहा हूँ दो दिन से आपके संग आस बैठा हूँ यू हैव अ आपके अंदर एक लेवल ऑफ पॉजिटिविटी एक हम्बलनेस है चाहे कोई भी आए कैसा भी आए मिलने की बात करने की मेरे से आपने मतलब नहीं जानते आप तो आपने मुझे इतनी देर बात करी इतना टाइम दिया अपना ठीक है बट सर आप मुझे ये हमलनेस और ये पॉजिटिविटी इंसान कैसे सीख सकता है मेरा पॉलिटिक्स में अब्बल तो भगवान ने आपको कुछ बनाया है तो उस पर इतराना नहीं चाहिए दूसरा है कि पॉलिटिक्स में यह है कि एक बार बेईमानों को लोगों ने वोट डाल दिया है उनकी सरकारें भी बना दी है लेकिन एरोगेंट को नहीं देता है वोट तीसरी बात यह है कि आ, मैं कोई रिटर्न क्वालिफाई करके इंटरव्यू देके एमपी नहीं बनाऊ मेरे जैसे आम आदमी को आगरा कॉलेज के प्रोफेसर को चार बार लोकसभा का एमपी एक बार राज्यसभा का एमपी और एक बार विधानसभा का एमएलए और ऊपर से दिल्ली में मंत्री और राज्य में मंत्री जनता ने और हाईकमान ने बनाने का काम किया है तो किस बात पर इतराना है क्योंकि अगर हम ये कहें कि हमें हम अपने माँ के पेट से वोट लेके आए हैं या हमको विरासत में इतने वोट मिले नहीं तो एक कॉमन मैन को कोई भी आदमी एक वोट से आपको चुनाव हरा सकता है और बराबर आने पे आप टॉस से भी हार सकते हैं और सीपी जोशी साहब एक ही वोट से राजस्थान में एम का चुनाव हारे और मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए तो जो कहावत है ना कि वृंदावन में एक बंदरिया नहीं रहेगी तो कोई सुना हो जाएगा यस वृंदावन सुना हो जाएगा उस एक बंदरिया का जितना वहाँ चहल पहल है वो तो कम होगी तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी है जलवा जलाल पद प्रतिष्ठा ग्लैमर ये सब जनता का दिया हुआ है तो आप ये देख लो कि मुझे थोड़ा इंटरव्यू आपका बड़ा हो रहा है लेकिन आज एक नई बात और बताने जा रहा हूं देश की जनता को हिंदुस्तान की हर विधा का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है हर विधा का माने हर फील्ड का और मैं पांच बार बन चुका हूं या एमएलए लगा के छह बार बन चुका हूं तो मेरे वोटरों ने मुझे किस जगह पे बैठा दिया है जहां पर मान लो मैं आई बनना चाहता तो नंबर वन आई एस चतुर्वेदी साहब और सेशन साहब एमपी बनना चाहते हैं मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं हेड का नाम ले रहा हूँ आईपीएस में निखिल कुमार साहब और डीजीपी सब थे दिल्ली के कमिश्नर थे बिजलाल साहब अभी दिल्ली के यूपी के डीजीपी थे बहुत नामी ग्रामी अफसर थे वो एमपी हुए आईपीएस हो गया आई एफ एस में मणिशंकर अयर मीरा कुमार कुंवर कु, नटवर सिंह साहब ये सब लोग एमपी बने तो यही तो तीन नौकरियां हैं जुडिशरी में आप देखो गोगोई साहब चीफ ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप, सुप्रीम कोर्ट रंगनाथ मिश्रा साहब कितने बड़े फील्ड बता रहा हूँ फौज में जनरल वीके सिंह साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल शंकर राय चौधरी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पैसे वालों में बिरला साहब और अनिल अंबानी साहब विजय माल्या अमर सिंह आदि आदि ये लोग रहे अखबार के पत्रकार हम बनते हम तो मालिक हमने देखा कि शुभना भरतिया जी हिंदुस्तान अखबार की मालिक और महेंद्र मोहन महेंद्र मोहन दैनिक जागरण के मालिक कुछ लोग मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि संख्या ज़्यादा हो रही है क्रिकेट का बहुत ग्लैमर है तो एक नहीं दर्जन भर चिकन चौहान साहब ने शुरू की तो फिर अपना अजरुद्दीन तो गौतम गंभीर तो सिद्धू साहब और लास्ट कीर्ति आज़ाद साहब और लास्ट में तो भगवान जी आ गए राज्यसभा में फिल्मों का बहुत ग्लैमर है तो अमिताभ बच्चन साहब रईस खन्ना दिलीप कुमार श्री जी राज और नाम देता हूँ सनी देओल साहब धर्मेंद्र जी ये सारे लोग सुनील दत्त साहब विनोद खन्ना जी ये लोग रहे हीरोइन हे हेमा मालिनी जी हैं और शबन आजमी स्मिता शबन आजमी जी और जया बच्चन जी जया जी ये सब लोग रहे तो आप ये दूसरे फील्ड में देखो कि इसरो के चेयरमैन राजा रमन्नाथ साहब तो कस्तूर साहब तो स्वामीनाथन साहब आप जिस फील्ड का नाम लेंगे मैं उसमें कोई आदमी का नाम दूंगा जो एमपी बना या बनना चाहता है जी फिर आप इसमें पत्रकारता में मैंने बताई दिया आपको अखबार में बता दियाट्स में देख लो आप हमारे जो फॉरन सेक्रेटरी थे वो आजकल फॉरन मंत्री आदि आदि तो एक झटके में एक मेरी जनता ने मुझे अचानक अमिताभ बच्चन के बराबर खड़ा कर दिया जी। उनका एक कार्यकाल था अचानक टॉप ब्यूरोक्रेट्स के बराबर कर दिया तो आप देखो कि हर फील्ड का मैं फौज में होता तो क्या चीफ आपदा स्टाफ तो नहीं बनता फिल्मों का मैं कोई दिलीप कुमार तो नहीं बन पाता बन सकता था लेकिन आई एफ एस में कोई मैं फॉरन सेक्रेटरी तो नहीं बन पाता आई एस में मैं कोई टी एन सेशन तो नहीं हो पाता

बच्चों के क्वेश्चन थे आंसर करते रहने लग रहा था कि यार आज आया हूँ तो सबके सबसे बात करके जाऊँ क्योंकि उन्होंने बनाया है कुछ बट आपने जो भी बात बोली मतलब ये जिंदगी में हमेशा याद रहेगी कि जिसकी वजह से हो उनको कभी नहीं भूलना चाहिए सर uh, आपने भी पॉलिटिशियंस की शायद आप कुछ गिनती गिना रहे थे आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन से हैं इससे मैं इस एपिसोड को एंड करूंगा ये जानकर बहुत नरेंद्र मोदी जी इसमें कोई दो पचास साल पहले की सोच रहे खेत में सोच कर सड़क पे सोच करती हुई महिला को सबने देखा जी ने बताया इलाज के अभाव में मरते हुए सभी प्रधानमंत्री बर्बाद को, को होते हुए पॉलिथिन में और छप्पर में रहते हुए हर प्रधानमंत्री ने देखा लेकिन प्रधानमंत्री आवास हो गए धुए से खाना बनाते हुए मोतिया बंद होते हुए हर प्रधानमंत्री ने देखा लेकिन गैस देने का काम उन्होंने किया लोगों के मरने के बाद कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी बारह रुपये और तीन सौ तीस का बीमा किया कोरोना जैसे संक्रमण काल में उन्होंने देश में कितनी अच्छी व्यवस्था की और पिछले दो साल से पांच लोग गेहूँ चावल गरीब लोगों को पीडीएस सिस्टम दे रहे हैं और फिर बढ़ा दिया अच्छा महीने के देश में लोग बीमारी से मरे होंगे लेकिन भूख से कोई तो नहीं मरा तो मोदी जी और पुराने जो हैं नहीं उनमें तो डॉक्टर भी Uh, uh, महफूज कर, कर लो आंखों में बहुत दूर तक रात की रात होगी मुसाफिर हैं हम भी मुसाफर होकर फिर किसी मोल और आपके ऐसी कभी रजत शर्मा जी ने राजीव शुक्ला जी ने इसी भी के जरूर शुरू किए थे बहुत पॉपुलर हुए मेरी आपको बहुत तो शुभकामनाएं कि जिस फील्ड में है इसके पर आप अच्छा थैंक यू थैंक यू और तीन शब्द याद रखना मेहनत 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 इसका कोई विकल्प नहीं और ईमानदारी 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 दो शब्द का पालन कठिन बहुत है लेकिन कहीं भी पहुंचा सकता है समाज सेवा करते हो तो भी कहूँगा की समाज सेवा की राजनीति के राजमार्ग पर पहुंचा कोशिश करूंगा अपनी पूरी जिसमें भी जाओ जो भी चीज लेके जाए वो सही लेके जाए

This was the first episode of Triangle by Garg. Do give us your honest feedback. We would love to improve our services to you all. And do subscribe to our channel and press the bell icon for the next video, which will be coming uh, as a podcast uh, with an ex BCG consultant from New York, a person who did studies from SRCC, went to IM Calcutta, then went to BCG India, and then BCG New York and then left all and started a startup which has recently raised a 10 million us dollars investment thank you for staying connected till here would love to connect with you all across all platforms and uh, hear from you thank you thank you everyone thank you